हाय गाइस, वेलकम बैक। हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर हम अचार की जगह फ्रेश चटनी का यूज करना स्टार्ट कर दे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की फ्रेश चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था जो जो चीज़ से मुझे चटनी बनानी है। स्पेशली टमाटर का इस्तेमाल करके आज बनाऊंगी मैं चटनी। तो पहले जो चटनी बनाने वाली हूँ उसमें मैं गार्लिक यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश करके रखा है गार्लिक को। अदरक को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट के रखा था तो मैं ये भी डाल रही हूँ। और मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने दो चटनी के हिसाब से मैंने काटा था तो मैं यहाँ पे हाफ यूज़ करूँगी। और मैं डालूंगी हरी मिर्च। तो मिर्च मैं कम लेती हूँ इसलिए दो यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो। अब नमक डाल के हम अच्छे से इसको कूट लेंगे। तो देखिए मेरी ये चटनी रेडी हो गई है। मैंने इसको फाइन चॉप नहीं किया, थोड़ा दरदरा रखा है। इसमें कच्चा टमाटर, अदरक और लहसुन का जो एरोमा है ये बहुत निखर के आता है। मेरे घर वाले बहुत ही चाव से इसको खाते हैं। तो हम अभी इस चटनी को ऐसे ही छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और हम अभी प्याज के साथ अपना दूसरा चटनी रेसिपी बनाते हैं। ये जो प्याज है इसका जो कच्चापन है वो जाने के लिए थोड़ा लाइट फ्राई करूँगी। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। प्याज का जो कच्चा स्मेल है वो चला गया है। अभी मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। प्याज पूरा लाइट फ्राई हो गई है, अभी हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप इन दोनों चटनी को रोटी या चावल किसी के साथ भी ले सकते हो। तो रेडी हो गई है मेरे टमाटर की चटनियाँ। आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।